किसी भी बिजनेस के लिए अकाउंटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज ऑल ऑफ द ट्रांजैक्शन जो है उनकी एक तरीके से यू नो टू कीप एवरीथिंग इन अकाउंट की किस तरीके से जो ट्रांजैक्शन है वो हो रहे हैं, तो ये एक बहुत वाइटल इंफॉर्मेशन होती है किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी कंपनी के लिए. सो अकाउंटिंग जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फील्ड है. एंड यू नो इसमें अलग अलग टाइप के अकाउंटिंग इसीलिए होती है बिकॉज काफ़ी आपको स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग भी करनी होती है व्हेन यू आर डीलिंग विद यू नो थोड़ा जो कॉम्प्लेक्स काम होता है उसके लिए. तो इसमें आपको ये देखना है कि किस टाइप के अकाउंटिंग में किस तरीके का काम करना होगा एग्जैक्टली आपको. सबसे पहली जो अकाउंटिंग है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग का जो एम होता है वो ये देखना होता है कि किसी भी बिजनेस का टोटल कॉस्ट क्या है प्रोडक्शन का. तो उसमें आपके फिक्स कॉस्ट होंगे, कुछ कुछ वेरिएबल कॉस्ट होंगे, तो उन सब का सही जो एक नो सबकी अकाउंटिंग होना या उसको सारे ट्रांजैक्शन को रखना वो इस अकाउंटिंग में आता है. कॉस्ट अकाउंटिंग से आपको ये पता चलेगा कि कहाँ पे आपने कितना इन्वेस्ट किया है और किस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस है, कहाँ पे आप यू नो कम कर सकते हैं. तो ये चीज़ें देखने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है किसी भी बिजनेस के लिए. कॉस्ट अकाउंटिंग में आपका आएगा जो लेबर का कॉस्ट है, जो आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं अपने, या कुछ फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं जैसे कि अगर कोई वेयर हाउस है तो उसका फिक्स्ड एक्सपेंस होगा, उसका एक रेंट देना होगा बिजनेस को. तो जितनी भी आपकी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी इस बिजनेस में वो कॉस्ट अकाउंटिंग से पता चलती है और उसके बेस पे स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लिए जाते हैं कि फिर आपको प्रॉफिट कितना करना है बिजनेस को. तो इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सो नो एग्जैक्टली आपका कॉस्ट कितना है टू रन अ बिजनेस एंड देन बेस्ड ऑन दैट आपको कितना प्रॉफिट करना जरूरी होगा. सेकेंड होगी आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग. तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग दैट मीन्स कि जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जो भी एक एक ट्रांजैक्शन हो रहा है एक बिजनेस का, उसकी अकाउंटिंग रखना कि यू नो कोई भी आपने कोई सामान है जो एक बिजनेस ने खरीदा तो वो कितने का है, एंड देन उसके बाद उन्होंने अगर उसमें जो उस सामान को अगर सेल किया है तो वो सारे जो ट्रांजैक्शन हैं वो सारे इसमें रखे जाते हैं. तो फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग है उसमें आपका आ जाएगा जो आपके एक्सपेंसेस हैं, जो आपका बैलेंस शीट है वो भी इसमें आएगा, इनकम स्टेटमेंट है वो इसमें आएंगे, कैश फ्लो कितना है किसी बिजनेस का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए कि कैश फ्लो उनका आता रहना चाहिए. तो इसमें जो सारी अकाउंटिंग होगी वो आती है कि एक एक ट्रांजैक्शन जो है वो पता होना चाहिए जिससे ये पता लगता है कि वेयर अ बिजनेस स्टैंड्स. तो हम ये बोल सकते हैं कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो एक पीरियड के लिए, जो भी एक पीरियड है उसमें कितने ट्रांजैक्शन हुए हैं उसको देखने के लिए की जाती है. नेक्स्ट है मैनेजरियल अकाउंटेंसी. और मैनेजरियल अकाउंटेंसी एक इस प्रकार की अकाउंटेंसी है जहाँ पे कि जो भी ट्रांजैक्शन एक बिजनेस में होते हैं उस पे जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैं मैनेजरियल लेवल पे वो लिए जाते हैं. तो उसमें दे वॉन्ट टू सी एवरीथिंग सो दैट दे कैन मेक जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैं फ्यूचर में किस तरीके से, फिर वो बेस्ड ऑन जो भी उनका जो एक ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं या वेयर अ बिजनेस स्टैंड्स उस पर बेस करके वो अपने जो डिसीजंस हैं फ्यूचर के लिए वो लेते हैं. नेक्स्ट आते हैं टैक्स अकाउंटिंग. तो टैक्स अकाउंटिंग में जो वेरियस लॉज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन हैं फॉर प्रिपेयरिंग आइदर बिजनेस का जो टैक्स फाइलिंग है या टैक्स प्रिपरेशन है और इंडिविजुअल का, तो वो आता है टैक्स अकाउंटिंग में. टैक्स अकाउंटिंग जो है वो ज़्यादा फोकस करता है ऑन टैक्सेस की किस तरीके से कितने टैक्स पे करने हैं, कितनी इनकम हुई है, किस तरीके से जो भी एक बिजनेस अगर है तो उसके कितने एक्सपेंस हुए हैं उसको ध्यान में रख के. तो वो मोर जो उनका पर्पस है वो टैक्स फाइलिंग का है. एंड इट कुड बी जो एक इंडिविजुअल हो सकता है उसका, या फिर अगर कोई बिजनेस है उसका भी टैक्स अकाउंटिंग में
सेम जो फोकस है वो रहेगा. ये जो अकाउंटिंग है वो देखती है जो इनकम है उसका कहाँ से इनफ्लो आ रहा है, कहाँ से आउटफ्लो गया है, तो उसको ट्रैक करते हैं इस अकाउंटिंग में. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट कम्स टू फॉरेंसिक अकाउंटिंग. और ये जो अकाउंटिंग है ये थोड़ी डिफरेंट टाइप की अकाउंटिंग होती है. इसमें आपकी अकाउंटिंग आएगी, इन्वेस्टिगेशन है, ऑडिट है फॉर अ कंपनी और एन इंडिविजुअल. तो इसमें आपका ज्यादा वो आता है कि इसमें ऑडिट होगा या इन्वेस्टिगेशन होगी. एंड दैट कुड बी फॉर अ कंपनी, फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कोई इंडिविजुअल हो उनके लिए. इस टाइप की जो अकाउंटिंग है वो यूज की जाती है, जैसे कि फ्रॉड डिटेक्शन है, एम्बेजलमेंट है, उसमें इस तरीके की अकाउंटिंग जो है वो यूज होती है. तो ये थे डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंटिंग, की अकाउंटिंग कितने अलग अलग तरीकों की होती है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन ऑलवेज राइट इन कॉमेंट बॉक्स एंड आस्क मी. बाय बाय.